हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द बिगर रियल एस्टेट। माय नेम इज अजय नारंग। आज मैं आ गया हूँ अगेन एक नए प्रोजेक्ट पे। सो आज हम बात करेंगे सिग्नेचर ग्लोबल के लो राइज प्रोजेक्ट की, जो कि आ जाता है सेक्टर 79B सुपरटेक बसेरा के पास। तो अभी जो दो तीन दिन पहले इन्होंने अपने दो लो राइज फ्लोर प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, एक 93 के अंदर, जिसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, मार्केट से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट जो इन्होंने लॉन्च किया था 79B के अंदर सेम डे, तो आज हम उसकी बात करेंगे। अगेन ये आपका लो राइज प्रोडक्ट है और आ जाता है सेक्टर 79B आपका जो है SPR एक्सटेंशन रोड पे, जहाँ पे M3 एंटालिया हिल्स, BPTP कह रहा हूँ, आपका जो है सुपरटेक बसेरा और भी टाउनशिप आसपास आ जाती हैं। सो आइए हम एक बार अगेन पहले कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लोकेशन समझते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं। देखिए मैं SPR रोड पे हूँ और ये सीधा आपका चला जाता है NH8, जहाँ पे क्लोवर लीफ फ्लाई ओवर बन रहा है। सीधा आपकी कनेक्टिविटी NPR नॉर्दर्न परिवहन रोड और CPR से है, और इधर राइट साइड सीधा आपका वाटिका चौक आता है और सीधा आपका DLF गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड आ जाती है। सामने कॉर्नर वॉक दिख रहा है आपको और उससे आगे M3M ब्रॉडवे, DLF अल्मेडा, सब यही आपको ऑन रोड चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और ये इधर जो है आपका सीधा NH8 चला जाता है। MX का कैंपस बन रहा है सामने, ये आपने देखा होगा आगे DLF कॉर्पोरेट ग्रीन है और हमको जाना है लेफ्ट साइड। चलिए चलते हैं। तो ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है जिसका काम चल रहा है, और सामने ये इस हिल को भी रिमूव करेंगे जो बीच में नोटिफिकेशन आया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, कुछ टाइम बाद आपकी रोड बन के और ब्लैक टॉप हो जाएगी। ये सीधा हमारी प्रोजेक्ट तक जाती है, मैप्स के माउंट विले तक जाएगी, और मैप्स से माउंट विले के बाद तो आपका जो है अच्छी खासी रोड बनी हुई है आपकी वहाँ पर। ये थी इसकी कनेक्टिविटी। अगर मैं बात करूं NH8 हो या SPR रोड हो, 10-15 मिनट की कनेक्टिविटी जो हमारी निकल के आती है इस प्रोजेक्ट की। और अगर मैं बात करूं ये जो आपका SPR रोड से SPR एक्सटेंशन रोड जो आपकी बन रही है, सो उससे भी काफ़ी स्मूथ जो इसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। सो ये था कनेक्टिविटी के बारे में। नॉट टॉक अबाउट द बिल्डर इसमें आ जाता है सिग्नेचर ग्लोबल। 2014 में कंपनी बनी थी, मिस्टर प्रदीप अग्रवाल ने कंपनी बनाई थी। तब से लेकर आज तक 40+ प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके हैं, चाहे अफोर्डेबल हो, DDJY फ्लोरिंग हो, सोना में मॉल भी आ रहा है इनका, और कमर्शियल भी काफ़ी डिलीवर कर चुके और आगे भी इनके जो है लाइंड अप है। तो ये था बिल्डर के बारे में। नल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। रेयर अप्रूव्ड आपका प्रोजेक्ट है, 12.5 एकड़ की साइट है, लो राइज डेवलपमेंट है आपका जो है, बेसमेंट स्टिल्ट 4 फ्लोर और टेरेस, इस हिसाब से डेवलपमेंट रहने वाली है। सेम जैसे 93 में इन्होंने लग्जरी लुक देने की कोशिश की है, जैसे उनका फसाड एलिवेशन है, सेम फसाड और एलिवेशन और सेम एमिनिटी के साथ वो यहाँ पे चीज़ें लेके आ रहे हैं। वो आपका सेक्टर 93 में है, ये आपका सेक्टर 79B के अंदर है। बात कर लेते हैं साइजेस की। साइजेस इनमें 3 साइजेस है, 2BHK प्लस 2 वॉशरूम 1055 स्क्वेयर फीट, 3BHK प्लस 3 वॉशरूम 1350 और 3BHK प्लस 3 वॉशरूम प्लस स्टडी रूम 1530। तो 3 साइज आ जाते हैं। बेसमेंट में 3 पार्ट करके देंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फ्लोर को, फोर्थ फ्लोर को मिलेगा टेरेस के राइट, इस हिसाब से जो ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। बात अगर कर लें इसकी अगर एमिनिटीज़ की, सो एमिनिटीज़ में आपको क्लब हाउस मिल रहा है, स्विमिंग पूल मिल रहा है, नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन आपका जो कोर्ट हो गया,
और किड्स प्ले ग्राउंड आपका हो गया, जॉगिंग ट्रैक हो गया। सो ऑलमोस्ट हर टाइप की एमिनिटी जो 93 में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिल रही है। मॉडुलर किचन मिल रही है, एसीज मिल रहे हैं, वार्डरोब आपको नहीं मिल रहे, और मार्बल जो आपको फ्लोरिंग मिल रही है। सो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट जो है ये निकल के आ रहा है। बाकी अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ तो आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होगे बेस्ट टेक अल्टोरा हो गया आपका, सुपरटेक बसेरा हो गया, गोदरेज आरे हो गया, मैप्सको विला प्रोजेक्ट हो गया आपका, और भी M3 एंटाले हिल्स की 45 एकड़ की आपकी टाउनशिप आ रही है, और आप देख सकते हो साथ में ये सुपरटेक बसेरा है, ये भी पीछे आपके रेजिडेंशियल हाई राइज टावर है, पीपल आर लिविंग देयर। और इसके साथ में M3 एंटाले हिल्स की भी आपको पता होगा 45 एकड़ की टाउनशिप जो है आ रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क आपका अभी स्टार्ट हुआ है क्योंकि रिसेंटली इसका रेरा आया, तो डिगिंग का काम जो है अभी आपका जो है चल रहा है। तो इस हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट है। सो आइए हम एक बार साइट व्यू कर लेते हैं कि साइट अभी तो वैसे कुछ काम स्टार्ट नहीं हुआ, डिगिंग का काम भी स्टार्ट हुआ है, तो मैं एक बार आपको साइट व्यू भी करवा देता हूं ताकि इसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं अभी पेमेंट प्लान की। तो इसमें आपका जो है 1 लाख से आपकी बुकिंग हो जाएगी। जैसे आप 1 लाख देते हो तो आपको 5 लाख का डिस्काउंट आप इंश्योर कर लेते हो, वो आपका जो है जब आप 9% की पेमेंट के बाद 16% पेमेंट करते हो तो उसमें से आपका लेस हो जाता है, राइट। सो अगर अभी आप 1 लाख से इसमें बुकिंग करा सकते हो। पेमेंट प्लान की बात करें तो बुकिंग आपकी 1 लाख से है, 9% यू हैव टू कम्प्लीट विद इन 10 डेज। नेक्स्ट जो आपका आएगा 16% यू हैव टू कम्प्लीट विद इन 60 डेज। 25% पे जो है आपका BB हो जाएगा, और सॉरी 9% पे आपका BB होगा, और 25% के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद जो है 8 मंथ में आपका 20%, फिर 16 मंथ में 20%, फिर 24 मंथ में 30%, और फिर जो है आपका 30th मंथ में 5%, और फिर 36th मंथ में 5%। 3 साल का पेमेंट पर प्लान है, 2.5 से 3 साल में आपको जो इसका पोजीशन मिलने वाला है, और लोन आपका इसमें इजीली अवेलेबल है। इस हिसाब से कुछ ये पेमेंट प्लान है। और नाउ टॉक अबाउट आर लास्ट सेगमेंट विच इज़ प्राइजिंग। सो प्राइजिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो इनका 2 BHK 2 वॉशरूम साइज़ है वो आपका 82 लाख से सेकेंड थर्ड फ्लोर, और फिर उसके बाद अराउंड 86 लाख आपका जो है फर्स्ट फ्लोर आता है, और अराउंड 88 लाख के करीब जो आपका जो है फोर्थ फ्लोर आता है जिसका टेरेस राइट है। आपको जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर को बेसमेंट में स्पेस मिलेगा, और फोर्थ फ्लोर को जो है आपका टेरेस का आपको जो है राइट मिलने वाला है। इसी हिसाब से अगर हम जाते हैं दूसरे साइज 1350 3 BHK 3 वॉशरूम में, वो आपका कहीं ना कहीं 1.04 CR से स्टार्ट होता है, और उससे ऊपर वाला जो है मैंने प्राइसिंग फ्लैश कर दिया, आप देख सकते हो। अदर चार्जेस की बात करूं तो आपका कार पार्किंग 4 लाख है, वन टाइम चार्जेस हैं, और प्लस जो है पोजेशन चार्जेस 1 से 1.25 लाख के करीब हैं, और 5% आपका जो है GST है। तो आप इसको इसी हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको 5 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है वो आप नलीफाई कर सकते हो अपने कार पार्किंग 4 लाख और पोजेशन चार्जेस से। सो एक तरह जो बकेट प्राइस है उसके ऊपर आपका 5% GST आपका लग रहा है। सो इस हिसाब से प्राइसिंग निकल के आ रही है। बाकी जो गवर्नमेंट की रिसेंटली डेवलपमेंट है, आपको पता ही होगा कि अभी इन्होंने DDJY जो पॉलिसी भी स्क्रैप की है, प्लस जो है कल शाम की ही बात है उन्होंने ग्राउंड जो है ग्राउंड प्लस 3 के प्लान अप्रूव होंगे, जो ग्राउंड प्लस 4 स्टिल प्लस 4 के प्लान थे वो अब आगे अप्रूव नहीं होंगे। एक गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी की क्या रिकमेंडेशन आती है आगे वो हमें वी हैव टू सी कि कैसे रहेगा आगे। सो मेरा मेन कहने का मतलब ये है कि सप्लाई अब आपकी कम है, डिमांड इनकी ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्राइसिंग अप्रिशिएट होगा। प्लॉट्स में क्या होता है वो देखने वाली बात है, बट अगर मैं फ्लोर्स की बात करूं तो सप्लाई अब आपकी लिमिटेड होगी क्योंकि DDJY पॉलिसी स्क्रैप हो गई है। कैसे गवर्नमेंट लेके आती है, क्यों लेके आती है, कब लेके आएगी, नोबडी नोज। प्लस जो है आपका जो है जो प्लान स्टेट प्लस 4 का था वो भी गवर्नमेंट अब अप्रूव नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई इम्पेक्टेड होगी, डिमांड इसकी है ही।
तो ये इस हिसाब से देख सकते हो। बाकी 93 जो इनका लग्जरी प्रोडक्ट है उसके सेम कॉन्सेप्ट पे चीज़ें ला रहे हैं, एमिनिटीज दे रहे हैं, आपका प्रीमियम आपका बिल्डर आ जाता है, रेट भी कहीं ना कहीं अगर आप एंथेम एंटाले हिल से कंपेयर करोगे तो उससे काफ़ी आपका सस्ता आ जाता है ये, अगर आप देखोगे दोनों का अगर आप कंपेयर करोगे तो। सो इस हिसाब से ये हमारा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा है। बाकी अगर आप लेआउट देखना चाहते हैं, ब्राउशर की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, पेमेंट प्लान हो गया, साइट विजिट करना चाहते हैं, देन यू कैन कॉल मी, माई नंबर यहाँ पे फ्लैश कर रहा है। सो ये था आज का हमारा प्रोजेक्ट सिग्नेचर ग्लोबल फ्लोर्स जो कि 79B में ला रहे हैं। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।